दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत हो गया आपके अपने YouTube चैनल इनपुट लाइफ हेल्थ टेक में। मेरा नाम दिलशाद और आज की इस नई वीडियो में दोस्तों हम कवर करने वाले हैं ICC ODI वर्ल्ड कप क्वालिफायर मैच नंबर 9 जो कि दोस्तों खेला जाने वाला है आयरलैंड वर्सेस स्कॉटलैंड के बीच में। दोस्तों इस मैच की प्लेइंग इलेवन क्या रहने वाली और इस मैच में अपनी फैंटेसी टीम किस प्रकार से बनाएंगे, चाहे दोस्तों वो ग्रैंड लीग हो, स्मॉल लीग या तो हेड टू हेड, कैप्टन वाइस कैप्टन की पिक, दोस्तों कौन से वो इंपॉर्टेंट प्लेयर होंगे जो कि हमारे टीम में होने चाहिए, दोनों तरफ से दोस्तों हमें किन किन प्लेयर को अपने टीम में रखना चाहिए और किसको ड्रॉप कर सकते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। मतलब दोस्तों फुल एनालिसिस वीडियोस आपको यहां पे देखने को मिल जाएगी। तो वीडियोस पे नए हैं तो फिलहाल लाइक कर सकते हैं अगर आपको वीडियो दोस्तों पसंद आती है। तो बढ़ते हैं गाइस आगे, बात करेंगे मैच स्टार्ट कब होगा। ये मैच दोस्तों फिलहाल जो है 21 जून इंडिया टाइम के अकॉर्डिंग 12:30 यानी कि दोपहर में खेला जाने वाला है। किस ग्राउंड पे खेला जाएगा, क्वींस स्पोर्ट क्लब बुलवायो जिम्बाब्वे। दोस्तों आपको पता है रिसेंट यानी कि जो है ICC ODI वर्ल्ड कप क्वालिफायर के मैच हैं इसी ग्राउंड पर दोस्तों हो रहे हैं और आप देख रहे हैं पिच जो कि पूरी तरीके से मतलब कि बॉलिंग के फेवर में देखने को मिल जाती है। मतलब स्कोर तो बन रहा है बट उतना खास कुछ बन नहीं रहा क्योंकि आपको पता 50 ओवर का मैच है बट स्कोर कुछ खास यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है। इस वेन्यू को दोस्तों इस मैच में जो कि एवरेज स्कोर 206 का हो सकता है। तो दोस्तों अगर हम बात करें दोनों टीम का जो बैटिंग लाइनअप थोड़ा सा कमजोर देखने को मिल जाएगा बट गाइस कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट बैट्समैन रहेंगे जो कि इस मैच के लिए बहुत ही ज्यादा बढ़िया करने वाले हैं। गाइस दोस्तों आपको बहुत ही आसान तरीके से यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ पिच रिपोर्ट जो कि ज्यादा टाइम आपका लूंगा नहीं। गाइस देखिए अगर हम बात करें पिच रिपोर्ट किस हिसाब से हो सकती है, पिच देखिए बॉलिंग के फेवर में रहेगी ठीक है क्योंकि यहाँ पे बैटिंग लाइनअप कमजोर देखने को मिल जाएगा और बॉलर्स दोनों तरफ से काफी बढ़िया करते हैं आपको नजर जरूर आएंगे। पेसर के लिए दोस्तों यहाँ पे एडवांटेज रहेगा और अगर हम बात करें मौसम की दोस्तों यहाँ पे मौसम ठीक ठाक रहेगा, मतलब बारिश की कोई संभावना नहीं है। एंड अगेन दोस्तों बात करें लास्ट 5 ODI मैच जो इस ग्राउंड पर खेले गए जिसमें कि टोटल विकेट 81 गाइस ठीक है, लास्ट 5 ODI मैच इस ग्राउंड पे अगर हम देखते हैं जिसमें कि पेसर को दोस्तों 36 विकेट और स्पिनर को 45 विकेट। बट दोस्तों यहां पे अगर हम बात करें इस मैच में तो फिलहाल देखिए बारिश वारिश की कोई संभावना नहीं है, मौसम बिल्कुल साफ रहने वाला है, बाउंस होगा गाइस तो पेसर को हेल्प मिलने वाली है। बाकी स्कोरिंग अगर हम देखते हैं गाइस यहां पे विकेट का तो भाई 45 यानी कि स्पिनर के पक्ष में अभी तक जितने मैच लास्ट 5 ODI मैच इस ग्राउंड पे खेले गए उनका दोस्तों रिकॉर्ड बढ़िया रहा है। एवरेज स्कोर आपको देखने को मिल रहा है 206 का। अगेन दोस्तों आगे बढ़ते हैं, मतलब कहने का मतलब यहाँ पे यही होगा कि कम से कम आप अपने टीम में 4 से 5 बॉलर्स और ओनली पिक करके जा सकते हैं, बढ़िया आप दोस्तों आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। देखो दोस्तों बात करते हैं हम दोनों टीम की जो प्लेइंग इलेवन रहने वाली है, आपको पता है आयरलैंड जो कि रिसेंट एक मैच खेल करके आ रही है, बाकी उस टीम का प्लेइंग इलेवन दोस्तों आपको पता ही होगा कुछ इस प्रकार से पॉल स्टिंग, एंडी बिल ब्रायन दोस्तों ओपनिंग करते हैं, फिर आपको हैरी टेक्टर, लोकन टकर, जॉर्ज डॉक्रोल, एंडी एमसी ब्रायन और दोस्तों यहाँ पर ग्रेट डेलेनी, मार्क एडर, ग्राम हमें, जोशुआ लिटिल और दोस्तों बेंजामिन व्हाइट, ये आपको दोस्तों मिल जाएंगे फिलहाल इस टीम की प्लेइंग इलेवन देखने में। एंड बैटिंग ऑर्डर दोस्तों कुछ इस प्रकार से रहेगा। अगेन दोस्तों बात करें यहाँ पे जो है स्कॉटलैंड टीम के जो कि प्लेइंग इलेवन के बारे में, बैटिंग ऑर्डर के बारे में, दोस्तों इस टीम के जो ओपनर है जॉर्ज मुंसी, क्रिस्टोफर एमसी ब्राइट और ऋषि ब्रिंगटन दोस्तों जो कि टीम के कैप्टन है, फिर आपको मिल जाएंगे यहाँ पे मैथ्यू क्रॉस जो कि काफी अच्छी फॉर्म में रहते हैं ODI मैचेस में दोस्तों। उसके बाद आपको मिडिल ऑर्डर पे मिलेंगे ब्रेंडन एमसी कलन, फिर मिचेस लिंच दोस्तों जो कि ऑलराउंडर है, क्रिस ग्रेवेस जो कि दोस्तों ऑलराउंडर, जैक जार्विस जो कि दोस्तों ऑलराउंडर है, यानी कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे यहाँ पे आप देख लीजिएगा इन तीनों प्लेयर को। एंड उसके बाद यहाँ पे सफियान सरीफ जो कि दोस्तों आपको फिलहाल मिलेंगे बॉलिंग सेक्शन से, और उसके बाद एलएस डायर एवेंस जो कि बॉलिंग सेक्शन से, मार्कवर्ड जो कि स्पिनर है गाइस और ये भी आपको बॉलिंग सेक्शन से मिलने वाले गाइस। ये थी फिलहाल दोस्तों दोनों टीम की प्लेइंग इलेवन, बाकी देखिए बैटिंग ऑर्डर भी आप लोग देख लीजिए। लेकिन आगे बढ़ते गाइस बात कर लेते हैं फिलहाल किस हिसाब से यहाँ पे रिसेंट फॉर्म दोनों टीम का रहा है और किस हिसाब से हेड टू हेड का मैच है गाइस, कौन सी टीम यहाँ पे विन कर सकती है उसके बारे में थोड़ा सा अपना ओपिनियन देने वाला हूँ। देखिए अगर हम बात करें टीम जो रिसेंट फॉर्म करके आ रही है, आयरलैंड की बात करते हैं रिसेंट 3 मैच में देखते हैं आपने लॉस ही लॉस ठीक है, कोई मैच अभी तक विन नहीं है। स्कॉटलैंड की बात करते हैं 5 रिसेंट अगर हम ODI मैच देखते हैं विन विन लॉस और विन और दोस्तों लॉस, कहीं ना कहीं स्कॉटलैंड थोड़ा सा ठीक परफॉर्मेंस कर रही है रिसेंट के अकॉर्डिंग। बाकी दोस्तों का आपको पता है स्कॉटलैंड पे थोड़ा सा आप कम भरोसा कर रहे होंगे, मतलब आपको लग रहा हो यार पॉल स्टिंग और जो है MCMD ब्रायन, जॉर्ज डॉक्रेल, ये सारे के सारे प्लेयर आप आयरलैंड के लेकर के जाइएगा, बट यार सोच रहे होंगे स्कॉटलैंड से हमें एक दो प्लेयर को ही रखने गए, बट आपको ये गलती बिल्कुल ही नहीं करनी गई अगर आपको इस मैच में अच्छा प्रॉफिट लेना है तो। देखिए हेड टू हेड की बात करते हैं दोनों टीम के बीच में, ODI के 20 मैच खेले गए जिसमें अगर हम बात करेंगे जो कि स्कॉटलैंड ने ठीक है 4 विन करेगा और आयरलैंड ने यहां पर अगर आप देखते हैं तो फिलहाल 15 विन करेगा, मतलब ODI मैच में आयरलैंड का परफॉर्मेंस काफी बढ़िया रहा है। एंड अगर हम बात करेंगे यहां पे देखिए लॉस 15 स्कॉटलैंड लॉस है और यहाँ पे आयरलैंड दोस्तों 4, नो रिजल्ट का दोस्तों 1 मैच रहा है। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे होम ग्राउंड पे ठीक है, होम ग्राउंड पे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे आयरलैंड ने 2 मैच विन करें बाकी और यहाँ पे सॉरी स्कॉटलैंड ने 2 विन करें और आयरलैंड ने 6 विन करेंगे, बट ये आपको पता है दोनों टीम का ये होम ग्राउंड रहने वाला नहीं है
तो बहुत ही कुछ आपको डिफिकल्ट देखने को मिल जाएगा। बाकी देखिए आपको बता दूं कैसे यहाँ पे स्कॉटलैंड टीम को भी आपको कम नहीं समझना, क्यों करने का, क्योंकि आके बात करेंगे और आपको खुद लगेगा नहीं भाई यार ये गलती हो जाती है अगर आप वीडियोस को नहीं देखते तो कैसे। ठीक है, देखिए दोस्तों आपका टाइम बहुत ही कम लेने वाला है इस वीडियो में। बात करते कैसे यहाँ पे दोनों टीम के प्लेयर के स्टैट्स के बारे में, किन किन प्लेयर को अपनी टीम में लेकर जा सकते हैं। सबसे बात करके यहाँ पे आयरलैंड टीम के परफॉर्मेंस के बारे में, जो कि प्लेयर का रहने वाला है इस टीम के ओपनर, आपको पता है पॉल स्टिंग और एंड्रयू बिल ब्रायन दोस्तों। ठीक है, एंड अगर हम बात करें यहाँ पे पॉल स्टिंग की, देखिए रिसेंट 23-0-55 ये अभी रिसेंट वाला मैच है गाइस, आपने देखा 23। बाकी गाइस ये देखिए ओडीआई और टी20 मैचेस में अभी लास्ट के कुछ मैचेस जो मैंने कवर करे गाइस, उस मैचेस में इनका कुछ खास अहम रोल नहीं था। मतलब कि अभी तक दोस्तों मुझे लग रहा है 10 से 15 मैच जो भी ये ओडीआई और टी20 खेले भाई एक भी अर्धशतक इनके बल्ले से नहीं आया था इसको छोड़ कर गाइस। ठीक है, तो उतना ज्यादा कंसिस्टेंट है नहीं, बट ये सभी की टीम में रहने वाले, मैं इनको ड्रॉप करने का रिस्क भी ले सकता हूं गाइस। बाकी हेड टू हेड की ठीक ठाक है, 12 मैच में 371 रन, 33 के ओवर से बैटिंग करते हैं और वेन्यू दोस्तों इनका एक भी मैच नहीं, पहला मैच होने वाला है। एंड अगर बात करें ओवरऑल देखिए 149 ओडीआई मैच इन्होंने खेले और 37 के एवरेज स्कोर से बैटिंग करते हैं, सिलेक्शन हाई होगा, रिसेंट फॉर्म में बढ़िया है। और देखिए मैंने कहा कि यहाँ पे रिसेंट टीम में कुछ खास नहीं है ओडीआई के हिसाब से, बाकी के इसमें आपको बता दूं कि हेड टू हेड और ओवरऑल ठीक ठाक है। रिसेंट के अकॉर्डिंग जो कुछ और मैचेस खेल करके उसके अकॉर्डिंग उसमें ड्रॉप कर सकता हूँ, हाई सिलेक्शन रहेगा गाइस इसके अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। अभी के लिए फिलहाल क्या करूँगा गाइस, मैं इनको ड्रॉप करके चलूंगा। और रिसेंट भी आप देखते हैं 23 रन भाई ओडीआई मैच में कुछ अहम रोल नहीं रखते हैं तो ड्रॉप करके जाऊंगा गाइस। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं एंड्रयू बिल ब्रायन की दोस्तों, फिलहाल देखिए रिसेंट 7-12-2 गाइस। ये भी बैट्समैन कभी कभी ऐसा होता नहीं कि कभी मौसम आता तो चल जाता है, कभी दोस्तों दो तीन सीरीज ऐसे निकल जाती है ओडीआई चाहे टी20 दोस्तों लीग हो तो सभी मैचेस में फ्लॉप होती जाता है, फ्लॉप ही जाता है गाइस ये बंदा। रिसेंट अगर हम देखते हैं तो कुछ खास कंसिस्टेंट है नहीं, हेड टू हेड में 10 मैच है इनके जो कि दोस्तों स्कॉटलैंड के अगेंस्ट में, और 306 रन बना 34 के ओवर से बैटिंग करते हैं, ग्राउंड पे पहला ही मैच होगा। एंड अगर बात करें ओवरऑल ओडीआई 96 मैच में दोस्तों 2783 रन बनाए 32 के ओवर से बैटिंग करने गाइस। देखिए बैट्समैन ये भी ठीक है बट दोस्तों मैं कह रहा हूँ दोनों का कुछ ना कुछ खराब परफॉर्मेंस चल रहा है तो यार मैं दोनों को ड्रॉप करके जाऊंगा अपनी पहली ग्रैंड लीग के टीम में गाइस। बट ये दोनों हाई सिलेक्शन वाले पर रहेंगे दोस्तों, आपके सभी टीम में देखने को मिल जाएंगे और आप भी सोच रहे हैं काश इनको हम रख के जाएंगे, बट आपको ये गलती नहीं करनी मेरे भाई। ठीक है, हैरी टेक्टर की बात करते हैं, 1-1 बैटिंग करने आएंगे। देखिए बॉलिंग और बैटिंग दोस्तों ये दोनों करते हैं, 52-0, 141 और यहाँ पे 149, मतलब दोस्तों हाई स्कोर यहाँ पे दोस्तों इन्होंने बनाया था। हेड टू हेड होने का दोस्तों इनका पहला ही मैच होगा। ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो 33 मैच में 1332 रन 53 के ओवर से बैटिंग करते हैं। ये प्लेयर आपके टीम में होना चाहिए क्योंकि बॉलिंग और बैटिंग दोनों तरफ से दोस्तों आपके पॉइंट्स देकर के जा सकता है। एंड अगर हम बात करें यहाँ पे लोकल टकर जो कि विकेट कीपर सेक्शन से आपको मिला रिसेंट देखिए 36-74-68 गजब की बैटिंग करके आ रहे हैं। हेड टू हेड होने दोस्तों पहला ही मैच होगा इनका। ओवरऑल अगर हम बात करते हैं 32 मैच ओडीआई खेले 611 रन बनाए 21 के ओवर से बैटिंग करते हैं। ये प्लेयर को भी आप रख सकते हैं जो कि आपको विकेट कीपर सेक्शन से मिला है लोकन टकर, अदरवाइज आपको उस टीम से जो कि स्कॉटलैंड से मैथ्यू क्रॉस मिला है वो भी बंदा बढ़िया बैटिंग करता है। बट यार दो में किसी एक का ही सिलेक्शन करना पड़ेगा जिस हिसाब से हम पहली टीम को बनाएंगे। ठीक है, बट दोनों कंसिस्टेंट रहने वाले हैं। लेकिन दोस्तों बात करते हैं जॉर्ज डगलस जो कि बॉलिंग और बैटिंग दोनों करते हैं, रिसेंट आप देख रहे भाई 91+1 विकेट और यहाँ पे 8+1 विकेट 8+0 कर दोस्तों। ये देखिए कंसिस्टेंट बैट्समैन है जो कि बॉलिंग भी कर लेता है सही साल और बैटिंग भी ठीक ठाक कर लेता है, और खास करके दोस्तों टी20 मैचेस में और ओडीआई मैचेस में दोस्तों अच्छी रोल रहती है इस बंदे की अपनी टीम के लिए। हेड टू हेड की बात करते हैं 8 मैच में देखिए कुछ खास रन नहीं बनाए बट 8 मैच दोस्तों 11 विकेटें हैं, तो आप देखिए बैटिंग ऑर्डर में ठीक ठाक नंबर दोस्तों 5वें नंबर पर आ जाता है, बैटिंग भी कर रहे हैं कम से कम 5 से 6 ओवर कराएगा तो भाई ऑब्वियसली आप टीम में रखेगा और कैप्टन वाइस कैप्टन की पिक करके जाएगा। वेन्यू पे दोस्तों पहला ही मैच होगा। अगर हम ओवरऑल बात करते हैं 112 मैच में 1141 रन है और 112 मैच दोस्तों 99 विकेट है, कुछ मैचेस यहाँ पे बॉलिंग नहीं कराई, मतलब कि सभी मैचेस में दोस्तों बॉलिंग नहीं, बट फिर भी देख सकते हैं 99 विकेट, तो इस बंदे को आप कैप्टन वाइस कैप्टन जो है ट्राई करके अपने टीम में जा सकते हैं। ओके अगेन बढ़ते हैं और आगे जो प्लेयर रहने वाले इस टीम के उनके बारे में जानते हैं, उनका स्टैट्स वगैरह क्या गए वो दोस्तों क्लियर करते हैं, किन किन प्लेयर हम अपनी टीम में लेकर जाएंगे। बात करें यहाँ पे एनडी एमसी बर्निंग के गए, ठीक है ब्रांड की, तो रिसेंट देखिए 20+1, 7+1, 4+1 विकेट गए, ये स्पिल कराएंगे और स्पिनर गए तो जहां तक बैटिंग भी ठीक ठाक नंबर पर मिल रही है। और हेड टू हेड दोस्तों कुछ खास नहीं, इनका 5 मैच इन्होंने खेले हेड टू हेड में 3 विकेट हैं, ग्राउंड पर दोस्तों पहला ही मैच होगा। ओवरऑल अगर हम बात करते हैं ओडीआई मैच की 77 मैच है दोस्तों 697 रन बनाए और 79 विकेटें गए, तो कहने की देखिए ये भी आपके लिए एक सेफ रहेंगे प्लेयर टीम में कहूंगा गाइस, क्योंकि बॉलिंग और बैटिंग दोनों मिलेंगे जब हम खास करके टॉप ऑर्डर मतलब कि ओपनर ड्रॉप करके जाएंगे पॉल स्टिंग और जो कि यहाँ पे एमसी ब्रायन को गाइस, ठीक है सॉरी एनडी बिल ब्रायन को दोस्तों, उनको दोनों को ड्रॉप करके जाएंगे तो फिर आपके लिए टीम में होने ही चाहिए गाइस। ग्रेट डिलेनी की बात करते गाइस तो यहाँ पे रिसेंट देखिए इनका 20-46-0 फिर यहाँ पे बैटिंग और बॉलिंग नहीं, थोड़ा सा ये रिस्की रहेंगे क्योंकि इनको बॉलिंग और बैटिंग दोस्तों मिलती नहीं है। हेड टू डिलेनी को दोस्तों पहला मैच होगा, ग्राउंड पे अगर ओवरऑल बात करते गाइस तो 16 मैच 180 रन 4 विकेट हैं, तो यार इनको जहां तक मैं ड्रॉप करके जा सकता हूँ गाइस, बट ये भी आपको स्पिनर मिलने वाले गाइस, ठीक है एज ए स्पिनर रहने वाले ड्रॉप करके आप जा सकते हैं। मार्केटर की बात करते हैं गाइस जो कि आपको पता काफी कंसिस्टेंट बॉलिंग कराते हैं, ये रिसेंट देखिए अभी जो लास्ट मैच इन्होंने खेला 15 रन 2 विकेट, बढ़िया आपको ऑलराउंडर सक्सेस मिल रहे हैं, बट दोस्तों ये बॉलर्स हैं ठीक है,
अगर हम बात करें यहाँ पे देखिए 3/0, फिर यहाँ पे बैटिंग नहीं और बॉलिंग भी नहीं दोस्तों। अगर हम बात करेंगे टीम सिलेक्शन की तो लेकर के जाऊंगा पेसर है, पेसर को थोड़ी बहुत यहाँ पे पिच में अच्छी विकेट मिल सकती है इस मैच के लिए, बाकी स्पिनर को भाई एडवांटेज है आपने देखा ही है। हेड टू हेड इनका दोस्तों पहला ही मैच होगा। अगर हम बात करें ओवरऑल ओडीआई 36 मैच में 329 रन 43 विकेटें गए, 36 में 43 मतलब ठीक है यार, एक दो विकेट तो मिल ही सकती है इस प्लेयर को, तो लेकर के जाएंगे हम। ग्राम हमें देखिए सभी लोगों को कम से कम सिलेक्शन, क्योंकि रिसेंट को ये अच्छे विकेट इन्होंने निकाली नहीं गई। बट मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा जब इन्होंने बांग्लादेश के गेस में खेले हैं वो ओडीआई मैच आप याद कर लीजिएगा, जो रिकॉर्ड रहा भी बहुत ही गजब का, 2 विकेट 3 विकेट 4 विकेट। तो ये दोस्तों कहीं ना कहीं ट्रंप आपके लिए हो सकता है, ध्यान रखिएगा। मतलब बैक करेगा गाइस तो 2 से 3 विकेट ग्राम हमें बैक करेगा, मतलब 2 से 3 विकेट लेगा, ध्यान रखिएगा। हेड टू हेड दोस्तों पहला मैच होगा। अगर हम बात करें ओवरऑल ओडीआई 10 मैच में दोस्तों 14 विकेट गए, मतलब फॉर्म बढ़िया है, डिसेंट विकेट नहीं है, बट यहाँ पे अगर बताऊँ तो 30 से कम% ही सिलेक्शन रहने वाला है, आपके लिए ट्रंप रहेगा, याद रखिएगा। एंड बात करें यहाँ पे जोशुआ लिटिल, जो कि देखिए 2 विकेट 1 विकेट 0 विकेट, हेड टू हेड दोस्तों पहला मैच होगा, बढ़िया बॉलर से 27 मैच में दोस्तों 44 विकेटें हैं। और आपको पता है गुजरात टाइटंस से भी खेल चुके, बट वहाँ पे कुछ अच्छा रोल नहीं था, बट दोस्तों वो था T20 और ये था ODI, तो भाई टीम में तो आप इनको लेकर के जा सकते हैं, पेसर हैं गाइस। एंड अगेन बढ़ते हैं यहाँ पे गाइस बेंजामिन व्हाइट की तरफ, देखिए रिसेंट 0 फिर यहाँ पे 5 फिर 2 इनका रिसेंट फॉर्म है, ये भी दोस्तों इनका कम सिलेक्शन होगा। बट ओवरऑल ओडीआई की बात करते हैं गाइस, ये पहला मैच इनका था जिसमें दोस्तों इनका खाता तक अभी तक खुला नहीं गाइस, तो इतना ज्यादा रिस्क नहीं लेके अभी फिलहाल के लिए मैं कहूँगा इनको ड्रॉप करके आप जा सकते हैं। अगेन बढ़ते गाइस आगे बात करते हैं स्कॉटलैंड टीम का प्लेयर का परफॉर्मेंस किस हिसाब से और किन किन प्लेयर को दोस्तों लेकर जा सकते हैं अपने टीम में। देखिए दोस्तों इस टीम के जो ओपनर जेजो मुंसी और यहाँ पे क्रिस्टोफर एमसी ब्राइट गाइस, देखिए जेजो मुंसी सभी की टीम रहने वाले हैं, बाकी रिसेंट देखिए 1 फिर 0 फिर 60 103 यहाँ पे 51 गेस, बहुत अच्छी बैटिंग करती है ये भी और बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट रहते हैं। बट दोस्तों आयरलैंड के गेस में इनका कुछ खास बल्ला ओडीआई मैच में चला नहीं, जो कि 3 मैच उन्होंने खेले ऑनली 31 रन बनाए, 10 के ओवर से बैटिंग करते हैं इस ग्राउंड पे, देखते कुछ खास है नहीं। ओडीआई मैच को देखते हो 2 मैच में 59 रन है, 29 के ओवर से बैटिंग करते हैं गाइस, सभी की टीम में ये हाई सिलेक्शन वाले प्लेयर रहेंगे, कहीं ना कहीं 2 टीम बनाएंगे तो 1 टीम से मैं ड्रॉप करने का रिस्क लूंगा, ये भी आपको याद रखना है। ओवरऑल डे की बात करते गाइस 49 मैच में 1520 रन 38 के ओवर से बैटिंग करते हैं गाइस। सिलेक्शन की बात करते हैं तो अभी फिलहाल के लिए टॉप ऑर्डर के बैटिंग करते हैं, अच्छी पारी भी आ सकती है जीएल के लिए, तो आप ट्राई करना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि 103-51 दोस्तों बना करके आ रहे हैं, ठीक है, तो टीम में रख सकते हैं। अगर हम बात करें एमसी ब्राइट जो कि दोस्तों अगर हम बात करें रिसेंट देखिए 20-5 22 47 22 गाइस, ये आपके लिए हेड टू हेड के लिए ठीक प्लेयर रहेगा, सिलेक्शन बहुत ही कम होगा। अब देखिए दोस्तों आपको बता दो स्कॉटलैंड टीम के प्लेयर ही आपको अच्छा खासा प्रॉफिट कराएंगे, चाहे दोस्तों जीएल हो हेड टू स्मॉल हो, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ये आपके लिए ट्रंप रहेंगे और यहाँ से आप अच्छे तरीके से अपने टीम में प्लेयर का सिलेक्शन कर पाएंगे। हेड टू हेड दोस्तों पहला ही मैच होगा। और अगर बात करें ओवर ओडीआई 11 मैच में 236 रन 26 के ओवर से बैटिंग करते गए, सिलेक्शन की बात करूँ तो अभी जीएल के लिए मैं ड्रॉप करके जा सकता हूँ, बाकी हेड टू हेड के लिए दोस्तों आपको ट्राई करना पड़ेगा, क्योंकि रिसेंट देखिए 20-47 22 22 के जब की बैटिंग है। रिची ब्रिंगटन की बात करते हैं इस टीम के कैप्टन है, रिसेंट देखिए फ्लॉप है यहाँ पे 8 फिर 0 फिर 32 फिर 19, मतलब लास्ट के कुछ मैचेस में दोस्तों उनका अच्छा परफॉर्मेंस नहीं रहा, बाकी बैटिंग और ओडीआई मैच दोस्तों बहुत ही गजब तरीके से खेलते हैं। देखिए अगर हम बात करें आयरलैंड के गेस में अच्छी बैटिंग है इनकी, 15 मैच दोस्तों 311 रन 28 के ओवर से बैटिंग करते हैं इस ग्राउंड पे, सबसे कंसिस्टेंट देखिए 2 मैच इन्होंने खेले नॉट आउट रहे, 84 रन बनाए 84 के ओवर से बैटिंग करने गए। ओवरऑल ओडीआई 105 मैच में 2637 रन 29 के ओवर से बैटिंग करते हैं, कहीं ना कहीं दोस्तों इनको आप अपनी टीम में जरूर रखिएगा, ठीक है, क्योंकि अच्छा स्कोर दोस्तों इस ग्राउंड को देखते हुए आ सकता है। मैथी क्रॉस की बात करेंगे, देखिए यहाँ पे सिलेक्शन का कम होगा, विकेट कीपर सेक्शन से रहेंगे, बट दोस्तों ये आपके लिए पिक रहेंगे, ट्रंप पिक रहेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिए रिची ब्रिंगटन की जगह पे आप इनको ट्राई करना चाहें तो कर सकते हैं। अभी फिलहाल के दोस्तों रिसेंट देखिए इनका देख लेते हैं, बढ़िया है 32-35 42 16 2 हेड टू हेड आज में दोस्तों 84-12 के ओवर से बैटिंग करते हैं, इसके अकॉर्डिंग दोस्तों मैं ड्रॉप करने के लिए सोच रहा हूँ ग्रांड लीग से, बाकी ग्राउंड को देखते हुए 2 मैच में 127 रन 30 के ओवर से बैटिंग करते हैं, इसको देखते हुए मैं टीम में रख भी सकता हूँ। ये आपका टॉस आपको अपडेट मिलेगा, जो कि आपको बता दूं वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आफ्टर टॉस वाले दोस्तों जो अपडेट है वहां पे मिलेंगे, तो आ जाइएगा इस बिल्कुल फ्री में, वहां पे टीमें वगैरह मिल जाती हैं। ओवरऑल डे 83 मैच में 1778 रन 23 के ओवर से बैटिंग करते हैं। सिलेक्शन यार अभी के लिए मैं ग्रांड लीग के लिए बता रहा हूँ, अभी ड्रॉप करके चलिए आफ्टर टॉस, जो कि मैं इनको रखूंगा टीम में। एंड ब्रेंडन एमसी क्लेन की बात करते हैं, बॉलिंग और बैटिंग दोनों दोस्तों गजब की भाई, ठीक है, यहाँ पे मैं इसको कैप्टन वाइस कैप्टन रखूंगा, क्यों गाइस, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, देखिए बैटिंग ऑर्डर भी ठीक ठाक नंबर पे 5वें नंबर, जैसे कि वहाँ पे जॉर्ज डोकरेल लगे, ठीक है, आप समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे 49+1 फिर 38+0 31+1 4+2 गाइस इनका रिसेंट फॉर्म है, बॉलिंग कराएंगे। हेड टू हेड की बात करते हैं, पहला मैच होगा वेन्यू दोस्तों, पहला मैच होगा, और ओडीआई की बात करते हैं 8 मैच में 176 रन 11 विकेट गाइस, तो यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं बंदा बॉलिंग कराएगा, रिसेंट भी दोस्तों बॉलिंग करा करके आ रहा है। तो यार मैं करूंगा क्या, वाइस कैप्टन इनको ट्राई करूंगा जॉर्ज डोकरेल के साथ दोस्तों, वाइस कैप्टन कैप्टन ये बिल्कुल सेफ बता रहा हूं आपको, कॉम्बिनेशन कैप्टन वाइस कैप्टन का। अगेन दोस्तों आगे बढ़ते हैं और जो प्लेयर रहने वाले इस टीम के लिए उनके बारे में बात करते हैं, मिचेल लिस्क, ठीक है, मिचेल लिस्क गाइस, जो कि अगर रिसेंट देखते हैं तो फिलहाल अच्छी बॉलिंग नहीं हो पा रही, नहीं बैटिंग, बट बॉलिंग से कहीं ना कहीं खास पकड़ पा रहे, देखिए 2 मैच में तो कुछ खास हुआ है,
बट यहाँ पे विकेट थी, यहाँ पे एक विकेट, यहाँ पे 29+3, यहाँ पे 107 प्लस एक का विकेट गेस। बॉलिंग और बैटिंग दोस्तों ये बंदा भी कराएगा, ऑलराउंडर से मिल रहा है, तो इस पर भी दोस्तों आपको नजर रखना होगा। मैं आपको बता रहा हूँ इस टीम में आप रख भी सकते हैं, और जहां तक मैं भी टीम में दोस्तों लेकर के जाऊंगा। हिट रेट देखिए 6 मैच में 37 रन काफी गजब कर सकते हैं, एक विकेट भी है। ग्राउंड पर दोस्तों काफी अच्छी बॉलिंग हो रही है, 2 मैच में 34 रन है और 4 विकेटें गए। ओवरऑल ओडीआई की बात करते हैं 62 मैच 1071 रन है, 52 विकेटें गए। तो आप ओवरऑल ओडीआई को देखते समझ सकते हैं गाइस कि जिस हिसाब से इनकी बैटिंग हो रही है और फिलहाल विकटें यार 62 में 52, तो फिर ओवर स्पेल तो मिलने ही वाले हैं किसी को, ध्यान रखिएगा। और ये सेफ रहेंगे, आप टीम में लेकर के जा सकते हैं ग्रांड लीग की। अगेन दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे क्रिस ग्रेटेवस सॉरी ग्रेवस की, देखिए 1 विकेट यहाँ पे 3 विकेट दोस्तों, ये भी बॉलिंग करते हैं और बैटिंग भी मिल जाती है, बट बैटिंग और दोस्तों थोड़ा सा डाउन रहेगा, डेथ में रहेगा। एंड हेड टू हेड दोस्तों पहला मैच होगा, ओवरऑल ओडी 16 मैच में 216 रन 9 विकेटें गए, यहाँ पर थोड़ा सा इनका खास परफॉर्मेंस है नहीं, तो जहां तक मैं पहले टीम से इनको ड्रॉप करके जा सकता हूँ। जैक जेविस की बात करते हैं 26+0 5+3, एंड उसके जहाँ पे हेड टू हेड दोस्तों पहला मैच होगा, आपने देखा गया जो कि रिसेंट इन्होंने फर्स्ट ओडीआई मैच ही इन्होंने खेला था अपने करियर का, जो कि कुछ खास हुआ नहीं, बट बैटिंग ठीक ठाक हो गई थी, बट बॉलिंग भी कराएंगे। और यहाँ पे देखिए इनका रिसेंट जो कि फर्स्ट क्लास वगैरह खेल करके आ रहे, तो अच्छी फॉर्म भी नजर आई है गाइस। आपको क्या करना गाइस, जैसे आपसे बॉलिंग पिच बॉलिंग के फेवर में पिच रहेगी, तो यार कम से कम आपको ऑलराउंडर और बॉलर्स ही ज्यादातर दोस्तों रखना ही पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। अगर आपको अल्ट्रा क्लीन स्विप करनी है, वन साइडेड विन करनी है गाइस। एंड अगेन बात करते हैं यहाँ पे सफियान सरीन, जो कि आपको फिलहाल बॉलिंग सेक्शन मिल रहा है, रिसेंट देखिए 1-0 3 विकेट, ठीक है गाइस। और आप भी यहाँ पे देखिए बता दूंगा सिलेक्शन थोड़ा सा इनका कम होगा, क्योंकि अभी इस टीम का प्लेइंग देखने को नहीं मिलेगा गाइस। और हेड टू हेड की बात करते हैं 7 मैच में 8 विकेटें गाइस, आयरलैंड के गेस्ट में अच्छी बॉलिंग है, ग्राउंड पे सबसे कंसिस्टेंट ओडीआई मैच में 2 मैच में दोस्तों 7 विकेटें, समझिएगा गाइस। टीम में आपको इस बंदे को भी रख लेना है आंख बंद करके। ओवरऑल ओडीआई में भी बढ़िया परफॉर्मेंस रहता है, 70 मैच में 294 विकेटें रख लीजिएगा टीम में। एंड बात करेंगे ऐसे यहाँ पे एलिस डेयर इवेंस की, जो कि रिसेंटली कुछ खास नहीं रहे, हेड टू हेड 4 विकेटें इस ग्राउंड पे पहला मैच होगा, 39 में 57 विकेटें गए, ये आपके हेड टू हेड के लिए पिक रहेंगे और अच्छी फॉर्म में दोस्तों बैक हो सकते हैं, बट रिसेंट के अकॉर्डिंग इनको ड्रॉप कर रहा हूँ। मार्कवट देखिए सभी के हाई सिलेक्शन वाले प्लेयर रहेंगे गाइस, ठीक है, हाई सिलेक्शन वाले प्लेयर रहेंगे। बट अगर हम बात करें यहाँ पे T20 को मैंने इंक्लूड नहीं किया, टेस्ट का दोस्तों यहाँ पे इंक्लूड किया है 5-4, बाकी यहाँ पे देखिए 1 विकेट। हेड टू हेड आयरलैंड के केस में दोस्तों 3 विकेटें और यहाँ पे 2 में 1 विकेट केस, वेन्यू पे ओवरऑल 53-89 विकेटें गए, ये सिलेक्शन हाई होगा दोस्तों। बट यहाँ पे हम रिस्क ले सकते हैं इनको ड्रॉप करने का, क्योंकि दोस्तों आपने इनको इंग्लिश टेंट ब्लास्ट में देखा गया, ठीक है, इंग्लिश टेंट ब्लास्ट में देखा, ये स्पिनर है, कुछ खास इनसे परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिला था वहाँ पे, हमने जो भी मैचेस कवर करें 4 से 5-6 कहीं ना कहीं विकेट मिल जाते, बट ज्यादातर दोस्तों ये आउट ऑफ फॉर्म नजर आए, ठीक है दोस्तों, फ्लॉप नजर आए। तो मैं क्या करूँगा, पहले टीम से दोस्तों इनको ड्रॉप करूंगा मार्क वर्ड को ग्रांड लिख के, और अगर ज्यादा टाइम बनाऊंगा तो फिर मैं आपको टॉस आपको अपडेट दे दूंगा, ठीक है। तो आपने प्लेयर का स्टेट्स वगैरह देख लिया, अब दोस्तों आप कंफ्यूज हो रहे हो कि ये प्लेइंग 11 में कुछ चेंजमेंट होता है आफ्टर टॉस वाला, बेंच प्लेयर दोस्तों क्या रहेंगे गाइस, तो वो आप टेंशन मत लीजिएगा, आप आ जाइए टेलीग्राम चैनल पर दोस्तों, वहां पे जो अपडेट वगैरह होंगे, बेंच होंगे, जो चेंजमेंट होगा गाइस, तो मैं आपको आफ्टर टॉस वाला टेलीग्राम चैनल पर अपडेट दे दूंगा गाइस। कहां पे लिंक मिलेगा गाइस, देखिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट सेक्शन में बैट बॉल 11 का और टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा भाई, यहाँ पे बैट बॉल को डाउनलोड करिए, टेलीग्राम चैनल पर आ जाएगी, क्योंकि इस एप्लीकेशन की टीम दोस्तों आपको वहाँ पे मिल जाती है। क्यों दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे इंटी फी का कॉम्पिटिशन अगर आप देखते हैं बहुत ही कम मेंबर पर, ठीक है, बहुत ही कम, मतलब कि बिल्कुल दोस्तों बढ़िया सेविंग हो रही है आपकी। बैट बॉल पर अगर आप देख रहे हैं 525 रुपये का कॉन्टेस्ट, जो कि अगर आप खेलते हैं तो अदर एप्लीकेशन पर आप 575 रुपये देते हैं, 50 रुपये की सेविंग हो जाती है आपकी। एंड अगर 1599 दोस्तों यहाँ पे कॉन्टेस्ट खेलते हैं तो अदर एप्लीकेशन पर आप 1749 रुपये देते हैं, 150 रुपये की मेरी सेविंग होती है, और 150 रुपये दोस्तों आपके फालतू जा रहे हैं, समझ सकते हैं। यहाँ पे 2599 अगर मैं हेड टू हेड खेलता हूँ तो 2999 दोस्तों आपको अदर एप्लीकेशन पर मिलेगा, 400 रुपये दोस्तों मेरी यहाँ पे सेविंग हो रही है, मतलब आप समझ सकते हैं यहाँ पे आपकी सेविंग हो गई, तो फिलहाल आप वहाँ पे खेलिएगा, आपके फायदे की बात बता रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी। अगेन दोस्तों यहाँ पे देखिए फायदे क्या रहेंगे, अगर आप देखते हैं तो एक्सीलेंट कस्टमर सपोर्ट आपको मिल जाएगा, लो एंट्री फी रहती है, ग्रेट डिपॉजिट ऑफर चलते रहते हैं, डेली फ्री गिवअवेज है, इंस्टेंटली विड्रॉल है दोस्तों, साथ ही साथ डिस्काउंट भी आपको यहाँ पे मिल जाता है। और सबसे अच्छी बात दोस्तों यहाँ पे टीम बनाने के साथ साथ आप यहाँ पे देखिए लूडो वगैरह खेल करके भी पैसे कमा सकते हैं, और साथ साथ दोस्तों यहाँ पे अगर आप देख सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे आपको गेम यहाँ पे मिल जाएंगे, जिससे दोस्तों आप अपने मनपसंद गेम खेल करके पैसे कमा सकते हैं। अब देखिए दोस्तों मैं बात करूँ आप यहाँ पे टीम क्या रह सकती है हमारी, तो देखिए दोस्तों ये फाइनल तो कह नहीं सकता, बट कॉम्बिनेशन दोस्तों मेरे टीम का कुछ इस प्रकार से ही रहेगा, अदरवाइज एक दो चेंजमेंट होते हैं तो फिलहाल तो मुझे नहीं लगा कोई चेंजमेंट होगा, क्योंकि आपको पता जो मेरी प्लेइंग 11 रहती है एकदम एग्जैक्ट रहती है। ओके देखिए यहाँ पे कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करते हैं, डोकेल को मैंने कहा था कैप्टन कर लेंगे, वाइस कैप्टन यहाँ पे एमसी कोलम को रहेगा, जो कि दोस्तों किसी ने सोचा नहीं होगा, बट बढ़िया आपको देखने को मिल जाएगा दोनों द्वारा। बाकी यहाँ पे जोशुआ लिटिल, ठीक है, सफियान सरीन और एमसी ब्रायन, मार्क अडेयर, एम लिस को दोस्तों मैंने रखा क्योंकि बॉलिंग और बैटिंग दोनों मिल जाएगी, ब्रिंगटन को रखा आपके पास, यहाँ पे मैथ्यू क्रॉप्स का ऑप्शन रहेगा, बाकी देखिए आपको मैंने कहा था पॉल स्टिंग और एंडी बेल ब्रायन दोस्तों, उनमें से अगर दो किसी को रखना चाहते हो रख सकते हैं, बाकी मेरा दोस्तों चांस है नहीं पहली टीम में, इस टीम से मैं आपको जाना कहूंगा गाइस, बाकी आप कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर लीजिए, आफ्टर टॉप्स और अपडेट दोस्तों आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, चैनल में जय हिंद जय भारत।